मेरी मॉम का गांव है और ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो घर जहाँ पे मेरी मम्मी ने पूरा अपना बचपन, वो वाला घर जो है वो लगभग मेरी नानी मतलब लगभग 100 साल पुराना है। बेसिकली नाउ ऐसी लग रही है मेरी स्पेशल राजस्थानी थाली। आप देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है चूल्हा, यहाँ पे विलेज टूर। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग विलेज टूर करने वाले, तो बेसिकली आज हम करेंगे विलेज टूर और आपको सारे रास्ते दिखाएंगे, गांव में कैसे रास्ते होते हैं। बेसिकली मेरा राजस्थान में गांव है और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के रास्ते कैसे होते हैं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। एंड आज मैं बेसिकली आपको ले जा रही हूँ मेरी मम्मी के गांव पे, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे मम्मी का गांव कैसा जगह, मम्मी ने पूरा अपना बचपन बिताया है। और देखिए ये है हमारे गांव का केनाल, तो ये है केनाल। एंड अब हम हमारे पापा के गांव से बेसिकली निकल रहे हैं और जा रहे हैं मॉम के गांव में, तो चलते हैं। गांव है और ये गांव की शुरुआत हो चुकी है, अभी हम सिर्फ एंट्री मार रहे हैं गांव में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रास्ते पे भैंसे चल रही है। आई एम इन द विलेज ऑफ माई मॉम, तो ये है मॉम का गांव और मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये जो मेरे पीछे है ये है मेरी मॉम का, मम्मी बोलती है इसको खलियान, खेत खलियान जो बोल सकते हो आप बोल सकते हो। मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से, खाने वाली हूँ बेसिकली गांव में जहाँ पे गाय भैंसों को बांधा जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे साथ है किंजल जो मेरे मामा की बेटी है अभी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेके चलती हूँ। ये बाहर से ऐसा दिखता है, देख रहे हो आप, पूरा कच्चा है, मिट्टी का बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है किंजल मेरे मामा की बेटी एंड अभी हमें किंजल बताएगी कि किंजल यो आपने बेसिकली आए गाय भैंस बांधे है ना। हाँ हाँ, तो किंजल बताएगी। तो किंजल बताओ हमें कि यहाँ पे कौन कौन से गाय भैंसे पे बांधी जाती है और वो भी कहाँ है, यहाँ पे क्यों नहीं है? वो है ना चरने गई है बाहर। अच्छा, कब तक आएंगी? वो शाम तक आ जाएगी, 4 बजे तक। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी कितनी सारी गाय भैंसे यहाँ पे? यहाँ पे 4-5 है। 4-5 है। अच्छा, तो गाइस आपने देखा कि यहाँ पे किंजल ने हमें बताया कि यहाँ पे 4-5 गाय भैंसे है, तो ये बेसिकली ऐसे ऐसे झुक के चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे टकरा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे गाय भैंसों को रखा जाता है और यहाँ पे किंजल छोटा बच्चा आता है ना गाय का, यहाँ पे बांधते हैं। हाँ। गाय के बेबी को यहाँ पे गाय के बच्चे को बांधा जाता है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो घर जहाँ पे मेरी मम्मी ने पूरा अपना बचपन बिताया है, लाइक पूरा बचपन मेरी नानी मम्मी सब लोगों ने, मतलब मम्मी ने बेसिकली। तो मेरे पीछे जो घर दिख रहा है आपको वो ये वाला जो घर है, किंजल जहाँ पे खड़ी है वो वाला घर जो है वो लगभग मेरी नानी मतलब लगभग 100 साल पुराना है। और फिलहाल तो इस पर नया कलर हो चुका है, बट ये घर है जहाँ पे मम्मी ने पूरा अपना बचपन बिताया है। एंड मैं इसके अंदर आपको लेके चलूँगी क्योंकि इसकी कीज़ फिलहाल नहीं है हमारे पास, नानी के पास है, तो जितना हो सके उतना जल्दी, ये देख रहे हो आप ऊपर तक, मैं आपको लेके चलूँगी इसके अंदर। चलते हैं, देख लो भाई गाँव के रास्ते एंड गाँव के घर क्या है। दिस इज द ओल्ड हाउस ऑफ माय दादाजी एंड वहाँ पे दादाजी बैठे हुए हैं कुर्सी पे। हियर इज ही, देख सकते हो यहाँ पे जल रहा है चूल्हा, यहाँ पे पक रहे हैं चावल। The next day. So it's the 10 AM in the morning and I am starting my vlog from now. So basically I'm gonna show you my routine here in the village in this whole vlog. So first of all, आज सुबह से मैंने और डैड ने क्या काम किया, वो जो ऊपर सारा सामान था उसे पूरा नीचे लाए, तो मेरा वर्कआउट इसी में हो गया कि हम लोगों ने लगभग 20 बार ऊपर से नीचे राउंड किया एंड ऊपर से नीचे सारा सामान बड़ा बड़ा लकड़े वकड़े सब नीचे लेके गए। सो आगे का व्लॉग आप देखिए, आगे आज क्या होने वाला है लंच में डिनर में एंड स्पेशल राजस्थानी फूड, बने रहिए इस व्लॉग।
गाइस, ये है चूल्हा और बेसिकली हम अपने टेरेस पे लेके आ गए एंड इस चूल्हे में अब बनेगी राजस्थानी स्पेशल देसी बाटी। जी हाँ, ये है आटे का गोला, मतलब बाटी का गोला जो इस चूल्हे में डालेंगे। ये मम्मी अभी सारी बाटियां इसके अंदर रख रही है। ये देखो इस तरह से ये चूल्हा हो गया। कितने मिनट हो गए इसको जलते हुए? इसको 10-15 मिनट हो गए। 10-15 मिनट से चूल्हा ऐसे ही जल रहा है। अब इसके अंदर बाटी रखी जा रही है। ये बेसिकली गार्डन केक है ना? यस। ओके, ऐसे रखी जाती है बाटियां। बेसिकली ये बाटियां लगभग हो चुकी हैं, तो बस इन्हें अब हटा लेना है। ज्यादा करेंगे तो जल जाएंगी। सो बेसिकली आई थिंक इट्स डन नाउ। सो देख सकते हो अब 5 मिनट भी नहीं हुआ एंड फटाफट हो गई, क्योंकि धूप भी बहुत भयंकर आई हुई है। यहाँ पे बारिश भी नहीं गिर रही है यहाँ, तो बेसिकली शाम को अच्छा मौसम होता है, ठंडा ठंडा। फिलहाल बज रहे 11 और बहुत अच्छी खासी धूप आई हुई है। अले चाले तो चाले चाले पानी नी पानी यार सा जावा जावा पी भरने या तो चाले चाले तू चाले चाले पानी नी पानी यार सा जावा जावा पी भरने या तो चाले चाले। फिलहाल सीन ये है कि ये है हमारी बाटियां जिन्हें चूल्हे से अभी अभी निकाल के लाया गया है। तो ये जो ब्लैक कलर का जो है ये राख है बेसिकली, मतलब जो चूल्हे की जो ऐश थी वो है। एंड अभी क्या होगा, इन बाटियों को घी से नहलाया जाएगा बेसिकली। यस, तो इनकी मतलब राजस्थानी बाटी की स्पेशलिटी ये होती है कि इनमें ना बहुत ज्यादा घी होता है। इस तरह से सारी जो बाटियां हैं वो बेसिकली घी में नहाएंगी एंड इस तरह से रेडी होगा। सो पूरी तरह से इनमें घी में डुबोया जाता है इनको अच्छे से। अंडे खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, बिलीव मी गाइस, बहुत ज्यादा। बेसिकली नाउ ऐसी लग रही है मेरी स्पेशल राजस्थानी थाली। जी हाँ, तो देख रहे हो आप, ये जो बाटी है इसमें हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी इसको घी पिला के रखा था, तो आफ्टर हाफ एन आवर ये कितनी सही हो गई है। इसके अंदर रगों में इसकी घी पहुंच चुका है। और ये तो ऐसे ही खा लो ना भाई, तो भी बहुत टेस्टी लगती है। स्पेशली चूल्हे की बाटी है तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। ये है हमारी चटनी, ये है हमारी दाल और ये है प्याज, जो राजस्थानी लोगों को चाहिए ही चाहिए खाने के साथ। तो बेसिकली इससे जान आती है खाने में, ठीक है? तो मैं इस बाटी को, इसको करते हैं हाथों से क्रश। और 2000 years later मैं आपको जाती हूँ मेरे गांव के विलेज टूर पे, विलेज के विलेज टूर पे। जी हाँ, तो बेसिकली आज मेरे साथ है मेरी छोटी बहन जैनी। जैनी नीचे काउडंग के जैसी, ओके। एंड पीछे वो दोनों आ रहे हैं, गबरू मेट है ना, आद्या और कर्मण्य त्रिवेदी जो भी नाम है इसका, मैंने जानती इसको। बेसिकली टुडे वी आर गोइंग एट आर मम्मीज मामीज होम। जी हाँ, मेरी नानी के जो भाई हैं उनके घर पे। एंड आपको हम दिखाएंगे वहाँ का एरिया, वहाँ की लोकेशन। सो बेसिकली दिस इज द रोड विच विल टेक अस टू द होम ऑफ माय मॉम्स नानी, मामी सॉरी। एंड आते हैं अनकर बनने पहले पहुंच गए। जस्ट लुक हियर, ये है कच्चा घर। पीछे व्हाइट वाला जो घर है वो है मम्मी की मामी का घर। एंड आपको मिलाते हैं उनसे भी। वी आर इन द हाउस ऑफ माय मॉम्स मामी एंड हम आपको उनसे भी मिलाते हैं। ये है मेरी मम्मी की मामी जिनका नाम है लक्ष्मी और इनको बुलाते हैं हम प्यार से लसीबा। लसीबा मेरे सब्सक्राइबर्स को हाय बोलो। हाय गाइस, आई एम गोना शो यू द होल फैमिली टुडे। सो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये है हमारे भूरीबा जो मेरी मम्मी की नानी थे, उनकी बच्ची यानी की मेरी नानी। और मेरी मम्मी अभी अंदर चली गई है, अभी हम आपको मिलाते हैं। तो जैनी आप जानते हो, ये है मेरे मामा एंड ये है बाबू दादा, ये है आद्या। मिलाते हैं मेरी मम्मी के मामा जिनका नाम है बाबू दादा, जब हम प्यार से बोलते हैं उनको तो आपको मिलाते हैं। और वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उनको मेरे सारे ब्लॉग्स बहुत पसंद है। बाबू दादा मेरे सारे ब्लॉग्स देखते हो ना? सारे ब्लॉग्स देखते हो ना मेरे? थैंक यू। देखिए दिस वॉज माई विलेज टूर ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अब हम फाइनली वापस अपने घर जा रहे हैं एंड ये था मेरा गांव, ये है देख लो आखिरी बार। पीछे मम्मी पानी भर रही है,
क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी आता है एंड यहाँ से ही भर के ले जाते हैं जितने भी गांव के लोग हैं। ये इतना दूर नहीं है गांव से बेसिकली। सो बेसिकली अब हम जा रहे हैं वापस से अपने घर। तो यार बड़ा सैड फील हो रहा है अपनी जगह को छोड़ना, बट क्या करें, वापस आएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, कॉलेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग माय ब्लॉग। बाय बाय बाय। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है।